पीर साहब सुनाओ, सुबह पापे खा के आप सीधा ही भागों में चले आए, क्या वजह है? बस मुरीद साहब क्या बताऊं आपको, सुबह सुबह पापे खाए, मैंने कहा चलो अपने खेतों में जाएं, थोड़ा हजम भी कर लें और देख भी लें अपने खेत। वो कब्ज वाला मामला ठीक हो गया? नहीं वो है भी अभी भी है। आपको कब्ज है? डॉक्टर के पास जाना है, कि मैं इधर इम्फने खान उसके पास जाना है, तो उसे दवाई लेंगे इंशाल्लाह फर्क आ जाएगा। सीधे वो हमारी बकरी उधर जा रही है, बस उसे चराड़ दो, वो चरती रहेगी, वो अपना काम करती रहेगी बस। जैसे आपका वो YouTube वाला अकाउंट खोला है उस पे 1,22,000 फॉलोअर होगा, रेती वालों ने आपकी वीडियो डाली है, और फिर साहब आपके किलोग्राम पे भी 55,000 फॉलोअर हो गए। मुरीद साहब किलोग्राम नहीं इंस्टाग्राम। अच्छा तो वही हाँ छोटा ग्राम। फिर साहब कॉल आ रही है, उठा लो सुनो, किसकी मुरीद की होगी किसकी। वालेकुम अस्सलाम जी, फिर साहब मेरे साथ बैठे जी, वो बात थोड़ा खेतों में आए उसे चक्कर लगा रहे जी, जरूर आपकी दावत पे आएगा इंशाल्लाह, आज आपके पास 12 बजे पहुंच जाएंगे। ठीक है बुला रहे हैं, दावत पे बुला रहे हैं। मुरीद साहब कौन दावत में बुला रहा था? वो अल्लाह डिवाया वो वाड़े वाला। अच्छा वो बुजुर्ग। ठीक है भाई जान, मैंने सुना है पीर आने वाले हैं। हाँ छोटे मैंने बुलाया, घर के कुछ हालात खराब थे इसलिए मैंने कहा, वो बहुत बड़े पी हैं इसलिए उन्हें मैंने बुलाया, काम इंशाल्लाह काम हो जाएगा। मैं नहीं मानता उनको, जाली होते हैं। उनको आज खाने पे बुलाया, फिर देख लेंगे पीर जाली होते हैं या असली होते हैं, वो बहुत बड़ा पीर है। मैं कब आएगा पता नहीं, फिर आने वाले होंगे, बस मैंने बुलाया वो आ जाएंगे, ये 10 बजे तक उनको कहा कि आ जाए बस। क्या हो गया मुरीद साहब, क्या हो गया? हाँ क्या हो गया और का वजन पहले पर्दे का इंतजाम करो। लगता है पीर साहब आ गए, तो आओ लेने चलो। पीर साहब मैं नहीं वो हैं। मुरीद साहब ठीक हो? तबीयत सेहत ठीक है ना? आओ चलते हैं। चलो पीर साहब आपका सफर कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा माशाल्लाह, बहुत अच्छा गुजरा है। आज चले जाओ, मैं इधर किसी बीमार के घर आया हूँ अपने मुरीद के घर, चले जाओ छुट्टी आप। जिनाब से बातें कर रहे हैं, जिनाब से पीर साहब क्या कर रहे हैं आप? जीना इस घर में ना बहुत बड़ा साया है, बहुत बड़ा। वो जो मेरी टीम है जिन्नात है, वो ढूंढ रहे इस घर का मायना कर रहे हो। बच्चो मुझे सब इल्म है, आपने जो कुछ कहा है मैंने सुन लिया है। मुरीद साहब जी जो वो गोश्त जिसमें मैंने कलाम फूके है वो गोश्त ले आओ। ये तो कोयला बन गया। ओहो ये क्या हुआ? आपकी जिनात आज भूखी थी, ढूंढ के खा गई। मुझे यही लगता है। बच्चे हाथ दे अपना। मुरीद साहब जी इनके पूरे घर में साया है, वो भी बहुत हैवी किस्म का। मुझे तो इनके बारे में कुछ कलाम लिखने हैं। अभी वुजू का टाइम, नमाज का टाइम है, वुजू करते हैं, नमाज पढ़ के फिर इन्हें खाना पकाया होगा। उठो वुजू करो। सब ये क्या क्या सारा पानी फेंक दिया? नहीं नहीं मेरे घर में आग लगी, मेरी टीम ने आके मुझे बताया, तुम्हारे मिसमाने की कोशिश की इसलिए पानी फेंक दिया। जिन्नात आपकी बताई जी? आह सुभान अल्लाह। मैं नहीं मानता मुझे दिखाओ, चलो मैं अपने पीर को साबित कर करूंगा। चलो पीर साहब चलो पीर साहब का मौजदा तैयार करना है ना, हम साबित करेंगे अपने पीर को, हम साबित करेंगे, हम दिखाते हैं आपको। आओ देखो घर में आग लगी थी, ये देखो पीर साहब ने वहाँ से पानी फेंका। हाँ पीर साहब बुझा दिया मैंने, देखा है ना, ये तो थोड़ी सी भाव है पागल।
वहाँ वहाँ देखो, वहाँ देखो, पीर साहब का सामान पड़ा है, पोड़ी को आग लग जाती, पूरे घर को भा लग जाती। तो फिर क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं करो। पीर का मार गया, पीर को मार गए, हमारे पीर भाई आए महान।